रहे हैं, मेजर साहब आ रहे हैं, बाकी बात वो बताएंगे, सब रेडी हो जाओ। जय हिंद साहब। जय हिंद कैप्टन। टीम जल्दी रेडी करो, हमें जल्दी चलना है। ओके सर। चल 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 अब उठ भी जा, नस में तू जोश जगा। और भी था, जाओ जो लौट के तुम। जीने का कोई हक नहीं है। जो लोग औरत की इज्जत करना नहीं जानते, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते, पांच पांच साल तीन साल, जल्दी कर यार, यार सच में हम आ गए ना, आ गए ना, टेंशन नहीं लो आप, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लो पत्थर उठा, पत्थर पत्थर। आप हमारे चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग 50 साल और लोगों से पीछे। स्टडी के साथ साथ मेरा एक शौक़ था कि हम कुछ सोशल काम पे के लिए आगे बढ़ें, तो उसके साथ मुझे मेरे फ्रेंड्स के रिलेटिव, मतलब मुझे कुछ मिले फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने बातचीत की। हमने क्या किया, एक चैनल स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल है हमारा पहाड़ी इंटरटेन के नाम से। तो हमने वहाँ पर सोशल्स वीडियो बनाना शुरू किए हैं, जिसमें एक अवेयरनेस के ऊपर, मोरल के ऊपर काम कर रहे हैं हम। पिछले कोई मतलब 2-3 महीनों से हमने अच्छा से काम स्टार्ट किया है। तो हमें उस चीज़ के लिए, एक सपोर्ट के लिए, जो आज मैं बात कर रहा हूँ, एक सपोर्ट के लिए, हमें मेंडर के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें सपोर्ट चाहिए होती है, लाइक कोई भी सपोर्ट किसी किस्म की भी, और हमें थोड़ा सा फेमस होने के लिए, मतलब फेमस ये भी नहीं मैं बोलता कि आप हमें फेमस करें, बट एक थोड़ा सी ये होती है कि थोड़ा लोगों तक कोई भी चीज़, एक मैसेज पहुँचना चाहिए हमारे थ्रू। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना भी हो सके एक नेचर और दूसरा अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही मैसेज पहुँचाएँ, ठीक है जी। तो और मैं मेंडर न्यूज़ डायरी का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने आज हमें यहाँ पे अपने प्रमोट करने के लिए हमारे से, हमसे इंटरव्यू लेना चाहा। तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद इनका, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं इनका कि जिन्होंने हमें पहचाना कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें प्रमोट किया जाए। बहुत बहुत थैंक यू। मैंने एक वीडियो देखी थी आपने यूट्यूब पर, पहाड़ी इंटरटेन चैनल के नाम से, जो कि हमारे मतलब सीनियर शिराज सर हैं, उनकी वीडियो थी पहले। फिर उसके बाद मैं, मुझे भी शौक आया कि मैं भी इनको ज्वाइन करूँ, देखते हैं कैसा हमें मतलब लगता है। तो मुझे अच्छी लगी, मैंने वो ज्वाइन किया। आज हम इंशाल्लाह, मैं भी उनकी टीम का एक मेंबर हूँ और हम अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए हमें, और बाकी इंशाल्लाह हम आपके लिए बहुत बेस्ट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेंडर न्यूज़ डायरी वालों का, जिन्होंने हमें पहचाना और दूर से उठा के अपने टी वी पर हमें शो किया, और उनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार। स्टार्टिंग से मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था स्कूल कॉलेज में, और ये वीडियो जब उसने स्टार्ट की तो मुझे भी शौक पैदा हुआ। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसके साथ मैंने भी काम किया, और बहुत अच्छी वीडियो हम बनाते हैं। 1 मंथ में 2 रिलीज़ करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ में कुछ कमी होती है तो आप हमें लाइक कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस, और मेन डायरी न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने हमें बुलाया अपने और हमारा इंटरव्यू लिया और हमें बताया कि आगे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंडर न्यूज़ डायरी और मैं हूँ आपके साथ राही कपूर। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी कोशिश है कि अपने इलाके को या अपने इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोग, चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है,
चाहे और किसी जो है अपने आर्ट जो है अपनी प्रतिभा जो है वो रखता है उसको लेके हम किसी ना किसी पर्सनैलिटी के साथ मिलते हैं और उन जो मानो कोयले की खान से अगर हीरा निकालना हो और हमारा जो यूथ है मेंडर एरिए का बॉर्डर एरिए का उसमें क्या कुछ टैलेंट है इसके प्रति जो है हम लोग प्रॉपरली आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ जो है वो कंटेंट लाते हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो हमने कई सारे ऐसे एपिसोड किए हैं जिसमें आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आप लोगों को पसंद भी आए हैं और इसी बीच हम अपनी अगली कड़ी को आगे रखते हुए एक आज उस पर्सनैलिटी से आपके आपके साथ रूबरू करवा रहे हैं। देखो हमारे हमारा जो युवा वर्ग है युवा पीढ़ी जिसको कहते हैं यंगस्टर जो हैं, यंगस्टर को हमेशा जो है एक तो आजकल के बच्चे ड्रग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत सारे जो केसेस हैं वो आपके सामने भी हैं, आप डेली रोज़ाना न्यूज़ में अखबारों में पढ़ते हैं किस तरीके से जो ड्रग्स के रिलेटेड जो है युवा पीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूथ जो है चाहे वो कोई फिजिकली इन्वॉल्वमेंट में जो है वो अपनी अपना हुनर दिखाता है, कुछ इंटरटेन की दुनिया में जो है अपना जो है वो लोहा मनवाना चाहते हैं, इसी तरीके से हमारे जो इलाका है हम बॉर्डर इलाके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है आए दिन हमारी बहुत सारी मुश्किलात हैं जिन्हें आज तक दिन तक जो है वो हल नहीं किया गया, काफ़ी लोग हमारा युवा जो है वो काफ़ी खासा परेशान रहा है। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये वही मेंडर है जहाँ पे अनगिनत लोग जो हैं वो KAS ऑफिसर हैं, अनगिनत मतलब काफ़ी लोग जो हैं वो IAS हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बड़ी बड़ी जो है हाई लेवल की जो पोस्टें हैं उन पर आज जो है वो बैठे हुए हैं हमारे जो लोग हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है लेकिन जो एक्सप्लोर हमारे युवाओं को नहीं मिलता उन युवाओं को कोई दिशा देना देने वाला नहीं है। हमारे साथ हैं शहराज मुगल। शहराज मुगल को मैं बता दूं कि इनका एक पहाड़ी 10 करके जो इनका एक YouTube चैनल है और उसके बाद ये एक ऐसा काम कर रहे हैं, इनके जो क्लिपिंग्स जो आपने स्टार्टिंग में हमारे प्रोमो में देखे कि किस तरीके से एक युवा सोच इंटरटेन मतलब कि आज लाखों करोड़ों रुपए खर्च के लोग बॉलीवुड में अपने जगह बनाना चाहते हैं, कोई मुंबई में मॉडलिंग करने जाता है पर कौन लोग जाते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ एक युवा पीढ़ी हमारी है जो ये इनकी शहराज मुगल के साथ जो पूरी टीम एक वर्क कर रही है और बड़ा अच्छा इनका जो एक कंसेप्ट है कि अपने एक तो इलाके को जो है प्रमोट कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, युवाओं को जो अपने साथ जोड़ के एक इस तरीके की शॉर्ट मूवीज जो है खुद तैयार करते हैं और जो कि आज सोशल मीडिया में एक चर्चा का विषय बनी हुई है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं, वो चाहे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज हो या गोजरी लैंग्वेज हो या हिंदी हो उर्दू हो पंजाबी लाइक जो भी लैंग्वेजेस हैं इन्होंने काफ़ी मिक्सअप करके, और सबसे इनकी जो सुपरहिट मूवी रही है जिसको काफ़ी लोगों ने सराहा है वो गिलवान घाटी पर जो हमारे देश के सैनिकों ने 20 जवानों ने जो शहादत पाई थी उस पर इन्होंने एक मूवी बनाई है जिसको काफ़ी प्यार मिला है, और साथ में सबसे मेन इनका जो एक एक मूवी जो एक बहुत बड़ा पैगाम देती है मैसेज देती है कि लाइक आज हमारे मेंडर को ना एक गोलाबारी के नाम से जाना जाता है, कोई भी जब कोई न्यूज़ आती है जब शेलिंग होती है तो कहाँ जी मेंडर में, कहाँ जी बालाकोट में, कहाँ जी मनकोट में, तो उस चीज़ को इनके माइंड में कंसेप्ट आया कि हम लोग क्यों ना जो बॉर्डर की प्रॉब्लम्स हैं जो इश्यूज हैं शेलिंग के टाइम जब पाकिस्तान की तरफ से जब CFV होता है, हमने काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई हैं लेकिन इन्होंने एक अपनी मूवी फिल्म के माध्यम से जो है वो आप तक एक मैसेज पहुंचाया है कि जो बॉर्डर में जिस समय शेलिंग होती है उस समय क्या हालात होते हैं, वो दर्द जो है एक भाई से कैसे बिछड़ता है, एक माँ बच्चे से कैसे बिछड़ती है, और जो बच्चे हमारे देश का भविष्य जिनको कहा जाता है जिन लोगों ने आगे अपना लोहा मनवाना है जिनके सपने हैं उन बच्चों वो बॉर्डर के बच्चे आज किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं बम और गोलों के बीच में, वो कंसेप्ट इन्होंने जो है वो एक उसके एक मूवी के माध्यम से जो है वो आप तक लाने की कोशिश की है। आज हम इस सारे मुद्दे को लेकर जो है शहराज मुगल से चर्चा करेंगे कि उनके माइंड में जो है ये कैसा कंसेप्ट आया, किस तरीके से जो है इन्होंने शुरुआत की और आज लोगों के बीच जो है एक एज ए यूथ एक आइकन बन के
बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चित हैं और काफ़ी फॉलोअर जो है इनके वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहे हैं और लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। शहराज मुगल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मैंडर न्यूज़ डायरी पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी शहराज जी, हम शुरुआत करते हैं कि जिस तरीके से आज युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी मुतासिर है। जी सर, हम अपने इलाके की बात करेंगे, लाइक मैंडर की बात करेंगे, कि आप सबसे पहले ये बताएं कि ये कंसेप्ट जो है आपने जिस तरीके से शॉर्ट मूवीज के जरिए जो है एक अवाम को एक मैसेज देना, पब्लिकली आज समाज में जो है एक मैसेज देना, ये कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया? जी बताएं। सर बेसिकली सर, जब हम कॉलेज टाइम में थे तो उस टाइम सर इस तरह के जो होते हैं सोशल एक्टिविटीज लाइक स्किट करना, ड्रामास करना, तो वो उस टाइम हम किया करते थे ये चीज़ें। तो जब कॉलेज से हम बाहर गए तो यूनिवर्सिटी में इतना फिर हमें वो मौका मिला नहीं ऐसा कुछ करने का। और उसके बाद कल्चर एकेडमी में एक दो बार हमने कुछ ऐसे पार्टिसिपेशन किया। तो नेक्स्ट जब हम उन सब मतलब स्टडी से एक तरफ हो गए, जब हम पढ़ाई से एक तरफ आ गए, तो तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि हाँ यार अपनी जो एक इंसान के अंदर एक जो एक पोटेंशियल होता है, कला होती है, कि हाँ यार कहीं पे दिखाते हैं इसको, तो वो कुछ कहीं पे मिला नहीं। तो फिर हमने 2017 में मतलब एक चैनल स्टार्ट किया था हमने, तो उस पर सिर्फ दो वीडियोज़ हमने डाली थी, उसके बाद हमने बंद कर दिया क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि पढ़ाई के लिए हमें कहीं आगे पीछे जाना पड़ा, तो हमने वो छोड़ दिया था। तो अब जब हम यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो लॉकडाउन के दौरान हमने अपनी जो 9 जून को हमने पहली वीडियो डाली थी, तो तब हमें एक आइडिया आ गया कि क्यों ना यार लॉकडाउन चल रहा है वैसे भी, तो वैसे भी कुछ काम ऐसा वैसा है नहीं, तो क्यों ना इस चीज़ को हम दोबारा स्टार्ट करें क्योंकि टाइम है हमारे पास। तो लॉकडाउन में हमने पहली वीडियो डाली, देन हमने एक दो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में वीडियोज़ डाली। उसके बाद हमें आइडिया आया कि हाँ यार गलवान वैली का उस टाइम ये कंसेप्ट चल रहा था, तो आइडिया क्यों नहीं यार इस पर हम इंडियन आर्मी पर बनाएं, क्योंकि हम इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए हमने वो वीडियो, फिर हमने जो है अपनी एक उसकी स्टोरी लिखी कि हाँ एक फिक्शन बेस्ड स्टोरी लिखी कि हाँ यार इंडियन आर्मी जाएगी, ऐसा काम करेगी, वहाँ पे जाएंगे, जीतेंगे, और हमारे सोल्जर्स वहाँ पे जो एक दो शहीद होते हैं, जो हालांकि गलवान वैली पे भी एक हमारे जो सोल्जर शहीद हुए थे, तो हमने एक ट्रिब्यूटरी एक वीडियो बनाई हमने गलवान वैली पे। देन उसके बाद गलवान वैली हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी चली और काफ़ी मीडिया वाले लोगों ने भी उसे काफ़ी मतलब सराहा, और लोगों ने भी उसे पसंद किया कि हाँ यार एक पैट्रियोटिक वीडियो है। तो हमने उसे 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन रिलीज़ किया। उसके बाद फिर से हमने एक दो वीडियोस अलग से बनाई और एक ड्रग्स पे हमने वीडियो बनाई, हमने ड्रग्स का जो मेन चल रहा है उस पे, ड्रग्स पे कैसे डेथ होती है, कैसे लोग अपना प्रॉपर्टी लॉस करते हैं, पैसे जोड़ते हैं, हेल्थ वगैरह सब कुछ लॉस करते हैं वो लोग। देन हमारे पास एक कंसेप्ट है कि उस टाइम बॉर्डर शेलिंग चल रही थी, तो हम जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उस चीज़ पे बनाते हैं। तो एक कंसेप्ट है कि क्यों ना बॉर्डर शेलिंग क्यों चल रही है, शेलिंग में लोग क्या फेस करते हैं, ड्यूरिंग शेलिंग क्या होता है, और जो हमारे सिविलियन फेस करते हैं वो दिखाया। उसके बाद आर्मी के जो सोल्जर है बॉर्डर पर रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, उनकी फैमिली क्या होती है, वो सब चीज़ें हमने उसमें दिखाई वीडियो में। फिर जैसे कि अभी चल रहा है मनीषा गैंगरेप का चल रहा है, तो हम लोग ने एक वीडियो बनाई उसमें मनीषा का जो है उस पर जस्टिस के लिए वो एक ट्रिब्यूटरी वीडियो हम उसके लिए बनाई हमने, ये चीज़ था, मेन ये था। शरद, इस बीच में मैं आपसे एक और सवाल करूँगा कि ये जो कंसेप्ट है आप एक वीडियो जो है एक शॉर्ट मूवी के माध्यम से लोगों को आज समाज में क्या चल रहा है वो एक संदेश देते हो, एक मतलब कि एक मैसेज रहता है आपके जो भी कंटेंट है उसमें, एक जो है पब्लिकली या समाज में या एक पूरे देश को जो है वो एक मैसेज रहता है। हमने देखा कि बड़ा अच्छा कंटेंट, आप काफ़ी मेहनत करते हो, आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और युवाओं को किस तरीके से आप जो है अपने साथ मिल के जो है ये काम कर रहे हो? बेसिकली सर देखा जाए तो हमारे साथ जो टीम है हमारी, हम 4 बंदों की टीम है सर, जैसे आपने इनका इंटरव्यू लिया, मेरे दोस्त हैं ये भी, हम 2 भाई हैं मेरे, तो बेसिकली हम 4 बंदों की जो मेन एक टीम है। उसके बाद बाकी सभी लोग जो मेरे फ्रेंड्स आगे पीछे जिन लोगों को होता है कि हाँ सर हमने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह जो लड़के आते हैं मेरे पास कि सर कॉन्टैक्ट करते हैं कि हाँ हमने भी करना है, तो मैं कहता हूँ हाँ यार आ जाओ, वेलकम, जिस बंदे को करना है वो आज आए, जिस बंदे को है अपने पोटेंशियल है, जिसमें टैलेंट है, तो आए, वेलकम। तो हम बेसिकली ऐसे हमारी टीम चलती है, और जो काम करते हैं लाइक कैमरा वैमरा उन सबको सिखाता हूँ कि हाँ भाई कैमरा मूवमेंट कैसे करना है, क्या करना है। तो बाकी जो हम ये काम करते हैं मतलब इसमें कोई बड़ा क्रू नहीं है हमारे पास के बड़े कैमरा होंगे या कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट एक सिंपल फ़ोन है हमारा, एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो हम उसी फ़ोन में करते हैं पूरी एडिटिंग, शूटिंग वगैरह, डबिंग सब कुछ, एक्स्ट्रा पूरा प्रोसेस एक फ़ोन प्रोडक्शन है हमारे पास, और इसके अलावा कुछ नहीं है। शरद, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि आप एक युवा हो, एज ए यूथ हो, मतलब कि जब ये आपने कंसेप्ट शुरू किया, देखो इसमें कुछ लोग जो है वो कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, जैसे लाइक कोई मतलब कि इस चीज़ को एक तो तरफ, एक तो पब्लिकली आप समाज को मैसेज दे रहे हो, इस चीज़ को बढ़ा रहे हो, कि अपना एक बता रहे हो कि एम कि हम लोग यहाँ रह के भी उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं जो दिल्ली बॉम्बे में बैठे हुए हैं,
कि उनको उनके मतलब की बराबरी हम कर सकते हैं, हमारे अंदर हुनर है, टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं, जैसे कोई कंट्रोवर्सी या कुछ किसी पब्लिकली आप मिलोगे आपको कोई कमेंट कर देगा, या इस तरीके का आपके साथ हुआ कभी, या इस चीज को आपने फेस किया, क्या कहोगे? बिल्कुल, ये चीज हमने फेस किया है। मतलब कि जैसे हमने मतलब एक दो वीडियो डाली तब तक इतना कुछ नहीं, लेकिन जब हमने कुछ एक दो वीडियोस डाली जिसकी वजह से हमें लोगों के काफ़ी कमेंट हुए, नहीं यार मतलब आप समझ रहे हैं कैसे लोग कमेंट कर सकते हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि नहीं यार हमने देखो हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, और इवन कि हमारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी उस वीडियो में कोई भी चीज़ टारगेटिज्म वाली चीज़ नहीं है, इसमें ऐसा नहीं दिखाया जाता कि हाँ भाई किसी को लोग या वो नहीं दिखाया जाता, एक सिंपल स्टोरी रखी जाती है, एक बिल्कुल पोलाइट स्टोरी होती है कि हर बंदा देखे और समझ जाए उससे। और मेन चीज़ है कि जैसा कि हम मुकाबले की बात है तो एक फ़ोन का मुकाबला और एक बड़ी प्रोडक्शन एक फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से, लेकिन इतना कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अगर मतलब बिना सीखे, एक होता है ना कि हम किसी जाएंगे स्पेशल कोचिंग ली क्लासेस लिया सीखा, बिना सीखे अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूँ हमारी जो टीम बिना सीखे, इवन कि हम लोग तो स्टोरी भी होता है ना कि एक स्टोरी पूरी लिखना वो नहीं, हम एक फ्लो चार्ट पे काम करते हैं, बिना सीखे इतना करना एक फ़ोन के लेवल पे, फ़ोन की प्रोडक्शन बनाना, फ़ोन से सब कुछ करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हमारे जो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं तो वो लोग हमारी वीडियोज़ को प्रमोट करें, क्योंकि हमारे पॉजिटिविटी मतलब उसमें पॉजिटिव एंगल से ले कि हमारा हर वीडियो में आपका जो है एक मैसेज रहता है, राइट सर, हर किसी के। शराज, इसके साथ मेरे को और बताएं कि जिस तरीके से कभी आप इस अपना जो ये जो प्रोजेक्ट मतलब कि आप करते हो, शूट करते हो, या ये जब वीडियोज़ वाला आपने पूरा कंटेंट या ये सब जब से कर रहे हो, तो इसमें जो है कभी आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से या कुछ इस तरीके से जो कुछ आपने कभी अपना प्रस्ताव रखा कि वो लोग जैसे आपको सपोर्ट करें, या कोई फाइनेंशियली इसमें अगर आपको कोई मतलब कि कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ है, तो कभी आपने इस तरीके का कभी सामने लाया उनके सामने? अगर नहीं लाया है तो आप क्या मतलब कि क्या डिमांड करना चाहते हो वर्थली जो हमारे DDC पुंछ हैं या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि अगर युवा एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है या मतलब कि उस तरीके की, तो आपने कभी क्या मतलब उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब पूरी बताएं आप बात। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ की नीड है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं इसमें होना चाहिए, कि बाज़ अवकात हमें मान लो कि किसी ऐसी जगह पे शूट करना जाना पड़े लाइक कोई जगह एरिया रिस्ट्रिक्टेड, या हमें कुछ ऐसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़े या कुछ, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते, मान लो कि हमें हॉस्पिटल का सीन चाहिए, अगर तो अगर हॉस्पिटल अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह के सपोर्ट करे कि हाँ परमिट करे, अगर आपको परमिशन दे, तो आप मतलब कि एक अच्छे थॉट से मतलब एक पॉजिटिव जो है मैसेज जो है वो आप ला सकते हो, क्योंकि बी लाइक एकदम रियल उसमें दिखेगा, हाँ ये हॉस्पिटल का एक एनवायरमेंट जनरेट हो जाता है। तो शराज, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम अपने इलाके की बात करें मेंडर की, तो मेंडर में काफ़ी बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, लाइक चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे पंच सरपंच हैं, या और मतलब कि कुछ काफ़ी लोग हैं जो मतलब कि आपको लगता नहीं कि उन लोगों को आपको सपोर्ट करनी चाहिए? बिल्कुल लगता है सर, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हमारे एरिया में मतलब हमें सपोर्ट नहीं किया जाता, कि देखा जाता कि हमें मतलब इतनी शेयरिंग, हम जो भी कंटेंट अपना शेयर करते हैं उन्हें शेयर नहीं किया जाता, हालांकि अगर कोई अदर कंट्री से देखा जाए तो अदर कंट्री वाले लोगों को उनको शेयर किया जाता है, या बाहर की स्टेट वाले लोगों को शेयर किया जाता है टिकटॉक वीडियोज़ छोटा मोटा, लेकिन अगर हम छोटे ग्राउंड लेवल पर यहाँ से एक जीरो लेवल पर हम काम कर रहे हैं, अभी हमारा जो काम है बिल्कुल 0.1% भी मैं इतना मानता हूँ कि 0.1% भी हम लोग नहीं हैं अभी, जब ये हमारे अपने लोग जब हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे जो कंटेंट उन्हें देखेंगे, आगे उसको रेकमेंड करेंगे, शेयरिंग करके, तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। हमारा ये जो मेंडर एरिया है, जो एक बॉर्डर एरिया है, ये तभी आगे जा पाएगा जब हमारे लोग अपने बाहर आएंगे, निकलेंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे सर। तो मेन चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, या फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस होंगे, या जो भी रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मेंडर को या किसी भी जगह में, उन लोगों को चाहिए कि हाँ भाई हमारे लोकेलिटी के बॉयज़ हैं, हमारे लोकल एरियाज़ के हैं, तो मतलब मैं नहीं कहता कि हमें प्रमोट कर दो या ये, लेकिन ये है कि एक मतलब एक सपोर्ट मतलब एक हाथ रहना चाहिए कि लाइक मतलब कि अगर आपको मतलब कि एक मतलब कि उनका सपोर्ट रहना चाहिए आपके साथ, है ना, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। शरद, आखिर में मेरा एक और सवाल रहेगा आपके साथ कि आज युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी जो है, वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, उसमें आपने एक बहुत ही अच्छी मूवी भी बनाई थी जिसे ड्रग्स के माध्यम से आपने एक मैसेज दिया था पब्लिक को,
जिस तरीके से आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं या आपका कंसेप्ट है कि एक मतलब कि हट के जो है एक अवेयरनेस मैसेज अपने साथ यूथ को जोड़ रहे हो, और जो लोग आज ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो बच्चे हमारे युवा पीढ़ी हमारे भाई या जो भी इसका शिकार हुए हैं, उन लोगों के लिए आपकी और आपकी टीम की तरफ से मैंडर न्यूज़ डायरी के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा? सर बेसिकली जैसा कि हमने ड्रग्स पे या जैसा आप देख रहे हो हमारे लोकल एरिया में भी काफ़ी मतलब सुनने में आया कि ड्रग्स का काफ़ी मतलब सर्कुलेशन होना शुरू हो गया, तो उस पर वही चीज़ देख के हमने एक वीडियो बनाई थी ड्रग्स एडिक्शन, जिसमें हमने एक मैंने खुद उसमें एक रोल प्ले किया था, डबल रोल वाला उसमें देखा था, दो भाई थे उसमें, एक ड्रग्स लेना शुरू हो गया, तो उसमें दिखाया गया कि ड्रग्स लोगों को किस तरह कंगाल करता है, किस तरह निचोड़ देता है और किस तरह लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं ड्रग्स की वजह से, कितने रिलेशन खराब होते हैं, होता है ये चीज़ नेचुरली है कि माँ बेटे का रिलेशन खराब होगा, बाप बेटे का खराब होगा, और मतलब तभी होगा जब बच्चा ड्रग्स या बॉय बंदा ड्रग्स लेना शुरू कर लेगा, उससे क्या होगा कि पूरा समाज में ये चीज़ सर्कुलेट होना शुरू होगी, हमारे लोकेलिटी में चीज़ सर्कुलेट, एक आएगा एक के साथ 10 और आएंगे, 10 के साथ 40 बनेंगे, 40 के साथ 150 बन जाएंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ सर्कुलेट होती रहेगी। तो इसी चीज़ पर हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने दिखाया कि ड्रग्स किस तरह लोगों के नुकसान करता है, तो हमारी टीम की तरफ से और मेंडर न्यूज़ डायरी की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ एंड मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, इस काबिल समझा कि हाँ भाई हमें भी अप्रिसिएशन मिली इस चीज़ से, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्रग्स का जो हमारे यूथ तबाह हो रहा है इस चीज़ से, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों का इस तरह का ख्याल रखा जाए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह की संगत, उस वीडियो का बेसिकली ड्रग्स का नाम ही हमने संगत रखा था, आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो लोग जाएं हमारी वो वीडियो देखें, उसका नाम संगत रखा है, क्योंकि ये जो चीज़ शुरू होती है शुरू संगत से होती है, ऐसी कंपनी मिलती है हम लोगों को, ऐसी कंपनी मिलती है तभी मतलब एक ये जो हमारा यूथ इस राह पे जाता है, अदरवाइज एक मान लो कि कोई एक सिंपल बच्चा स्कूल में जा रहा है कॉलेज जा रहा है, उसे इन चीज़ों का पता नहीं, लेकिन उसे पक्का कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो उस चीज़ को वो देता है, हाँ भाई ये ले, है ना। तो ये चाहता हूँ कि ऐसी संगत का देखा जाए कि बच्चा स्कूल जा रहा है कॉलेज जा रहा है, भाई उसके फ्रेंड सर्कल कौन सा है, उसके दोस्त उसका जो दोस्त है वो कैसा है, हर चीज़ उसमें, मैं नहीं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है, मतलब अगर कोई बच्चा नशे की लत में पड़ता है या इस तरह की लत में पड़ता है, तो बेसिकली उसका रीज़न जो उसके पीछे बिसाइड ये होता है कि वो किसी गलत संगत में जाता है, तभी ऐसा होता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बेसिकली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की और हमारे पूरे समाज की, हमारा कोई दोस्त है छोटा भाई है या कोई भी, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उससे देखा जाए भाई ये किसी गलत संगत में न पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शरस हमारे साथ बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो पड़ाव मतलब कि ये जो स्टेप जो चल रहे हैं, आपकी पूरी टीम को जो है हम मैंडर न्यूज़ डायरी की टीम जो है वो सलाम करती है कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो युवाओं को अवेयर कर रहे हैं समाज में, एक अच्छा अपने इस अपने मूवीज़ शॉर्ट मूवीज़ के ज़रिए जो है लोगों को मैसेज दे रहे हैं। और दोस्तों ये थे हमारे साथ शहराज मुगल, जिनके साथ हमने बात की, और उनके जो ये सफ़र रहा है, उनका जो दौर रहा है इस फील्ड में आने का, और अपने ज़रिए जो है वो ये जो मैसेजेस दे रहे हैं ये इन्होंने सारा बताया, और साथ में इन्होंने ड्रग्स के रिलेटेड जो है वो मैसेज दिया है। और मैं आखिर में जो है यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जो हमारे इलाके की युवा पीढ़ी है, अगर कोई यूथ अच्छा काम कर रहा है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो आप उसके लिए उसको सपोर्ट करें, आप उसका एक जो है वो एक थंब की तरह जो है आप उसके साथ खड़े हों, चाहे हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो देख रहे हैं या हमारे जो जो भी नेता लोग हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर इनको यूथ को जो है मतलब कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। आप सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर अपने इलाके से, देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करके कह दूं कि अगर ये लोग काम कर रहे हैं और इनको अगर दुनिया जो लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का भी सर ऊंचा है, ये मत भूलिएगा आप, क्योंकि हमारे इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोग हो, जैसे जो भी है, चाहे वो कोई सरपंच है या पॉलिटिशियन नेता है, जब मेंडर का नाम आएगा तो आप लोगों का सर फख्र से ऊँचा होना चाहिए। अगर ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो इन लोगों को सपोर्ट करिएगा, मतलब कि अगर आप अननेसेसरली जो है कुछ लोग जो है मतलब कि खींचातानी भी करते हैं, मैं किसी को कि पार्टिकुलर मतलब किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ सोसाइटी मतलब लाइक के इनके हर वीडियो में एक संदेश है, एक मैसेज है, आज समाज में क्या हो रहा है, हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, बॉर्डर के लोग क्या फेस कर रहे हैं, उस सब को लेके अगर इन बच्चों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अपना एक टैलेंट दिखा रहे हैं, अपनी एक प्रतिभा दिखा रहे हैं, अपना एक हुनर दिखा रहे हैं, तो हम सबका फर्ज है कि इन लोगों को सपोर्ट करना।
दीजिए मुझे इजाजत, और अगली कड़ी में जो है हम किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ रूबरू होंगे और जरूर कोई अच्छा कंटेंट लाएंगे ताकि आप लोग भी उससे मतलब कि उसको सराहो और उसकी जो है अप्रिशिएट करो। आप देखते रहिए मेंडर न्यूज़ डायरी, और आखिर में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पर मेंडर न्यूज़ डायरी का चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, सलाम, जय हिंद।